करियर के शुरुआती दिनों में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कई तरह की चीजों का सामना किया है। जी हाँ, उन्हें कई ऐसे सीन्स निभाने पड़े जो हद से ज्यादा बोल्ड थी, सेंसुअल थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी किताब अनफिनिश्ड में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसकी वजह से सभी लोगों के मन में सलमान खान के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, दरअसल एक फिल्म में एक गाना था जिसमें प्रियंका चोपड़ा को एक एक करके अपने कपड़े उतारने थे और अपने अंडरगार्मेंट शो करने थे। प्रियंका चोपड़ा ने अपने स्टाइलिश से पूछा क्या वो कुछ ज्यादा कपड़े पहने ताकि उनके इनरवेयर उनके अंडरगार्मेंट्स ना दिखाई दिए। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि भाई अंडरगार्मेंट्स तो दिखने चाहिए, अगर वो नहीं दिखे तो आखिर फिल्म को लोग देखेंगे कैसे और फिल्म हिट कैसे होगी। बता दें कि प्रियंका को डायरेक्टर की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। हालांकि जब प्रियंका अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए जाती थी तब वहीं पर वो डायरेक्टर पहुंच गया, प्रियंका से लड़ता झगड़ता हुआ वहां नजर आया। इसी बीच इस आग में कूद पड़े सलमान खान भी, जहां उन्होंने उस डायरेक्टर को अच्छा सबक सिखाया और प्रियंका चोपड़ा की इज्जत को बचाया। मतलब आपको बता दें कि इसके अलावा प्रियंका ने एक और बड़ा खुलासा किया था, जब उनके मैनेजर ने उन्हें एक फिल्म के डायरेक्टर से मिलवाया था और फिल्म के डायरेक्टर ने ये कहा था कि भाई प्रियंका को ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाने होंगे, उन्हें अपने चेहरे पर भी कुछ चेंजेस करवाने पड़ेंगे, जॉ लाइन बनवानी पड़ेगी, उन्हें अपने बर्ड्स थोड़े हैवी करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से प्रियंका काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हुई। हालांकि उनका मैनेजर ये सब करवाने के लिए मान गया, लेकिन प्रियंका ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और वो जैसी थी वैसी ही रही और आज भी वैसी ही है। वेल, आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने शुरुआती दिनों में कई तरह की ट्रोलिंग का सामना किया है और साथ ही डायरेक्टर्स ने कई बार उन्हें बोल्ड और इंटीमेट सीन्स देने के लिए भी फोर्स किया है। हालांकि प्रियंका ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ा था। वेल, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि प्रियंका चोपड़ा के इन दो बड़े खुलासों पर आपका क्या कहना है।